हे hey दोस्तों नमस्कार, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MP GNTST PNST के जो GNM नर्सिंग और BSc नर्सिंग, इसके लिए दोस्तों जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं 2019 के वो क्या हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाया है ये मैंने आपके जो कमेंट हैं उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए। दोस्तों इस बार का जो पेपर है इस बात से तो कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता कि पेपर इजी नहीं आया है, पेपर डिफ़िकल्ट आया है। तो इस हिसाब से दोस्तों इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा डाउन रहने की संभावनाएं और रह सकते हैं। और दोस्तों मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स इतने होने चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जो एग्ज़ाम है दो दिन हुआ है और चार शिफ्ट में हुआ, यानी कि एक दिन एक 9 बजे एक 2 बजे की शिफ्ट में, ठीक है। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया। यदि आपके मार्क्स इस कट ऑफ से थोड़ा सा 2-4 मार्क्स इधर उधर हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये 2016 के ऑफिशियल कट ऑफ में पहले आप वो देख लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं ये जो कट ऑफ है दोस्तों 150 में से अनारक्षित कैटेगरी का दोस्तों आप देख सकते हैं 58 है, अनुसूचित जाति मतलब कट ऑफ में दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं रहता, कहने का मतलब ये है OBC का 57 है, SC का जो है 55 है और अनुसूचित जनजाति का 53 है, यानी कट ऑफ दोस्तों बहुत थोड़ा थोड़ा मार्क्स का डिफरेंट है, ठीक है। वह ये तो ये किसके हैं दोस्तों GNTST के हैं, ठीक है, किसके लिए ये GNM नर्सिंग कोर्स के लिए। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें BSc नर्सिंग के लिए, यानी कि जो PNST जो टेस्ट होता है उसमें देखिए शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन जबलपुर इनका जो कट ऑफ है तो इनकी कट ऑफ देखिए दोस्तों सीट बहुत कम रहती हैं। एक तो इसकी देखिए अनारक्षित की 60 सीट थी, अनुसूचित जाति की 20 थी, जनजाति की थी आपकी 24 और अन्य OBC की जो सीट थी वो 16 सीट थी। तो दोस्तों इसके जो कट ऑफ रहे थे 65, इसके थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं क्योंकि दोस्तों सीट बहुत कम रहती हैं। इसके 65 कट ऑफ थे जनरल के और SC के 63 थे और ST के 62 थे और OBC के 64 कट ऑफ थे। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो एक्सपेक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें आपके 2-1 मार्क्स यदि आप अभी कम हो तो आप निराश ना हो, आपके जो मार्क्स हैं वो जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो आइए देखते हैं। दोस्तों यदि आप GNTST यानी कि आप नर्सिंग जो GNM कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए हाईएस्ट मुझे लग रहा है कि जो जनरल कैटेगरी में यदि आप हो तो आपके 55 के आसपास या ऐसे थोड़ा बहुत मार्क्स इधर उधर भी हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। यदि आप ST कैटेगरी में हो तो आपके 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन होने की दोस्तों आपको कॉलेज मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। लेकिन दोस्तों वहीं यदि PNTST के बारे में बात करें तो इसमें कट ऑफ थोड़ा हाई रह सकता है, इसमें जो कट ऑफ रह सकता है दोस्तों क्योंकि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम रहती हैं तो जो कट ऑफ रह सकता है वो 70 के आसपास जनरल का और 65 के आसपास जो है ST कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है और SC और वो जो OBST है उनका इनके OBC है उसका इसके बीच में, ठीक है। तो इसी प्रकार से GNTST का भी आप इनके बीच में ले लीजिए। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप देखिए यदि आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो ये हमारा पेटीएम नंबर है, इस पर आप जो भी आपकी इच्छा हो कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, 1 रुपये जितने भी आपकी इच्छा हो कुछ, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ही रुपये करें, कितना भी आप, क्योंकि दोस्तों हम भी मेहनत करते हैं। तो ठीक है, यदि आपको लगता है आपको